हाय एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं ज्योग्राफी के, और मैं एटलीस्ट 500 क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। वैसे ये सारे के सारे सेट्स मैं BPSC, BSSC और BPSC जो असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए बना रही हूँ। वैसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? तो ये 8° 4' उत्तर और 37° 6' उत्तर के बीच फैला हुआ है। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? तो ये भारतीय सर्वेक्षण बनाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ओके, फिर किसको सूर्य का उधर्वार्धर किरणें कभी नहीं मिलेगी? वो किसको नहीं मिलेगी? ये श्रीनगर को कभी नहीं मिलेगी। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? तो 4 गुना बड़ा है। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ बनाती है, सीमा बनाती है? तो ये कौन सा है? किन्नौर जिला। गाइस, ये जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ना, ये पिछले साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बेसिस पे कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, उस तरीके से हमने ये सेट प्रिपेयर किया है। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको एटलीस्ट 2 बार रिवीजन करना ना भूलें। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के साथ है। भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो ये बांग्लादेश के साथ की थी। भारत में 9 तटीय राज्य है, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाए जाते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो ये पौंडीचेरी की। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भारत की तटरेखा जो है ये 7,516.6 किलोमीटर है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो ये टोटल 36 है। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैडल पिक कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो ये कोरोमंडल तट कहते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये दमन से गोवा तक विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है? तो ये है पौंडीचेरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो निम्नोलॉजी कहते हैं। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधर और पीर पांजल के बीच स्थित है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? ये तो कितनी बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, तो इसको दोआब क्षेत्र कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को ही दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस नदी का स्रोत जो है ये भारत के बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का है। सिंधु नदी का उद्गम होता है कहाँ से? तो ये कैलाश पर्वतमाला से होता है। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी जो है ये विभ्रंश घाटी में बहती है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो देवप्रयाग में होता है। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोसी नदी है। और कोसी नदी को किस कहाँ का अशोक कहा जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कौन सी नदी ज्वार नदबुख एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है? तो ये नर्मदा नदी है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो ये नर्मदा नदी बहती है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है।
भारत की नदी का अंतर्देशीय जल निकास है तो ये है लूनी। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है तो ये चेन्नई या मद्रास है। भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं तो टोटल 12 बंदरगाह है। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है तो ये NEERI है, नेरी। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है तो ये केरल घाटी में स्थित है। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार वन का एक उदाहरण है तो ये उष्णकटिबंधीय वन वर्षा वन का उदाहरण है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो ये गाइस कॉर्बेट नेशनल पार्क है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए तो 31 से लेके 34% तक होना चाहिए। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है तो सुंदरबन कहा जाता है। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है तो ये सुल्तानपुर है। ये टोटल 43 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है तो ये दाचीग्राम सेंचुरी में पाया जाता है। प्रसिद्ध गीर वन कहाँ है तो गीर वन गुजरात में है। मैंग्रोव क्या होते हैं तो ये डेल्टीय वन होते हैं, वर्षा वन और उच्च कटिबंधीय वन होते हैं। सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की एक वनस्पति है तो ये ज्वारीय वन की वनस्पति है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी है तो ये नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है तो असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को वैश्विक विरासत वन माना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है तो ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है तो ये मनार की खाड़ी के बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए मशहूर है तो ये तेंदुआ और चीता के लिए, चीतल के लिए ये जो है ये मशहूर है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है तो अगेन ये मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है मणिपुर में। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। हमने एक एक क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से अभी तक पूछा गया है आपके बीपीएससी बीएसएससी के एग्जाम में और इस टाइप के जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में उसमें उसके बेसिस पे उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन कौन सा बन सकता है और कौन सा इम्पोर्टेंट है तो वो सारा 100 क्वेश्चन हमने इसमें लिया है। इसी के साथ सिर्फ ना सिर्फ ज्योग्राफी का 500 क्वेश्चन बल्कि हर एक सब्जेक्ट का 500 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे और हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट होगा जो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसका जो ये पीडीएफ है ये पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जो कि लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है तो ये मणिपुर में स्थित है। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। और मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में स्थित है। उसके बाद भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी तो ये नीलगिरी में हुई थी। भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट हैं तो ये टोटल 4 है। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है तो ये है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का की मिट्टी जो है, किस प्रकार का जंगल जो है ये उपयुक्त है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है, एक विलो नाम की लकड़ी होती है ये कहाँ से प्राप्त होता है तो ये शंकु वृक्ष वन से प्राप्त होता है। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि हो सकता है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन आ सकता है और तट रेखा में परिवर्तन आ सकता है तो फिर वैश्विक तापमान तापन के फलस्वरूप ये तीनों चीजें हो सकती हैं जिसमें पहला हमने देखा समुद्र तल में वृद्धि, सेकंड हमने देखा फसल के स्वरूप में परिवर्तन और थर्ड हमने देखा तट रेखा में परिवर्तन। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। गाइस यहाँ पे कहीं कहीं थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आंसर गलत कहीं नहीं मिलेगा तो आप इसके लिए
बिल्कुल भी कंफर्म रहिए, जहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है वहाँ आप देख लीजिएगा बस। चिपको आंदोलन जो है ये वन संरक्षण से संबंधित है। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है, तो ये मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में प्रचलित है। भारत में किस जाति के गेहूं की खेती की जा रही है, तो ये ब्रेड गेहूं की खेती की जा रही है। अंतवर्ती फसल क्या है, तो प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित हो की जाती है जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाए, तो उसको अंतवर्ती फसल कहते हैं। रबी फसल के मौसम में भारत में कौन सी फसल सामूहिक रूप से उगाई जाती है, तो ये गेहूं, सरसों और चना जो है ये सामूहिक रूप से रबी फसल के मौसम में उगाई जाती है भारत में। पठार की स्थलाकृति आदर्श है खनन के लिए। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये कपास, चाय, तांबा और अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वाणिज्यिक स्तर पर रबर का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, तो ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में होता है। बगान कृषि जो है ये पैदा करती है खाद्येतर फसलें। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल क्या है, तो ये 60 से 70% है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है, तो ये पश्चिम बंगाल है। उसके बाद कौन सा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, कर्नाटक है या फिर जो महाराष्ट्र है वो है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही, तो ये कहाँ सफल रही, पंजाब, हरियाणा और यूपी में। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है, तो ये गेहूं से है। HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है नव कृषि नीति, राइट। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल को कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है, तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्ति प्रतिशत लगभग कितना है, तो ये 60% है। भारत में पीत क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन के साथ। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सहकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जल वायवी क्षेत्र है, तो ये टोटल 127 है। सामाजिक वानिकी है, तो सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना को सामाजिक वानिकी कहते हैं। किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है, तो ये तमिलनाडु को माना जाता है। जादू गुड़ा का संबंध है यूरेनियम के खनन से, जादू गुड़ा भी आप बोल सकते हैं। इसका संबंध किससे है, तो यूरेनियम के खनन से है। हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुमला पल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है, तो ये आ गया है यूरेनियम निक्षेप के लिए तुमला पल्ली जिला जो है ये आंध्र प्रदेश का। केरल राज्य किस खनिज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है पेट्रोलियम। और पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का संबंध जो है ये कोयला क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोयले का सबसे बड़ा भंडार जो है ये किस राज्य में है, तो ये झारखंड में है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स। यह किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑब्वियसली हीरा के लिए प्रसिद्ध है। कुंद्रे मुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थान कौन सा है, तो ये मंगलौर है। और खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करण शालाओं की संख्या कितनी है, तो ये टोटल 4 है। और मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ जो है यहाँ पे स्थित है। 99 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन कौन करता है, तो ये अपतटीय मुंबई हाई करता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज इस वीडियो का, वो है मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है, छोटा नागपुर पठार में।
आई होप ये 100 क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट लगे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आता है, इसमें कंटेंट जो है वो आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। सो बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ। वन बाय वन हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स का ऐसे ही मोस्ट 500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो हम लेकर आने वाले हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।